हाय दोस्तों, आज का हमारा न्यू ब्लॉग आपका प्यार सदाबहार बना रहे हमारी वीडियो में। तो चलिए हम आज का ब्लॉग चालू करते हैं, जो कि अब मैं उठ चुका हूँ, मतलब कि यहाँ पर चाय बनाने जा रहा हूँ। तो चाय बना के मतलब पापा और मैं पियेंगे, तो मम्मी नहाने जा रही है। तो मम्मी की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब है, तो इनको नहाने से मना किया जा रहा है, तो ये मान नहीं रही हैं। तो चलिए दिखा देता हूँ, ये रही मम्मी जी, इनकी तबीयत ख़राब है। अब इनके लिए पानी गर्म किया जा रहा है, तो तब जाके नहाएंगी। तो आप इनकी हालत देख सकते हो। तो मम्मी को मना तो किया पर मान ही रही, तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं पानी गर्म करने जा रहा हूँ। और चलिए, अब यहाँ पर गैस पर मैंने पानी रख दिया है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी मैंने रख दिया है। और यहाँ पर चाय मतलब पापा और मैं पियेंगे। तो मम्मी तो चाय पीती नहीं है सुबह के टाइम में, जब तक वो नहा धो ना ले। तो इस टाइम मैं इस वक्त किचन में हूँ और चाय और पानी गर्म कर रहा हूँ मम्मी के लिए। तो मम्मी की तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए गर्म पानी करके दिया जा रहा है। और अब सोच रहे हैं कि हम भी गीजर लगवा लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने पानी भर के रखा हुआ है। अब जब ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, तो भाप तो निकल रही है ऊपर से थोड़ी थोड़ी, तो जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो क्या बोलते हैं मम्मी को दूंगा, और इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करके, जो कि वो उसमें नहाएंगे तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं लगेगा। तो इस वजह से अभी मैं रसोई में ही खड़ा हूँ और हमारी चाय भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम दिखा देते हैं, ये चाय उबल रही है इस वक्त। हाँ, तो देखिए अब इसमें दूध डालने जा रहा हूँ, तो अब ये गोरी हो जाएगी। तो पहले काली होती है हर चीज़, फिर जब मेकअप मेकअप भी करो तो गोरा हो जाता है। तो देखिए अब ये भी गोरी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो देखिए काली चीज़ कैसे गोरी होती है, ये देखिए होगी गोरी गोरी गोरी। अब ये हो गई गोरी, तो देख सकते हैं कि काली चाय किस तरह गोरी होगी। थोड़ा और दूध डाल देता हूँ, तो देख सकते हैं कि ये किस तरह गोरी हो गई है चाय। अब थोड़ी ही देर में छन जाएगी ये, जो कि पीने के लिए हो जाएगी। तो दोस्तों जो चाय पीते हैं, इसलिए हमारे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में और ऐसे ही देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स।